जो हमारे से आगे गाड़ी थी ना उसका ऑर्डर क्या था? दो एग एंड सॉसेज, बस आप वही ऑर्डर कर दें। आज दुनिया का सबसे हेल्दी नाश्ता कर लेंगे। मैं बर्गर खाने आया था। कौन सा? बिग मैक। बिग मैक सुबह सुबह बिग मैक खाने आया था? नहीं पता था नाश्ता मिलता है। 7 बजने वाले हैं और ये दो महाराजा वेट कर रहे हैं मेरा कि मैं कब उठूंगा, और मैं उठ गया हूँ। बहुत तंग करके उठाया है मुझे यार, सोने नहीं दिया। लो यार गाइस, लेट्स गो। कहाँ जा रहे? बस आ रहे हैं। जल्दी ठीक है, बस जल्दी आना। बाय। हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा। नींद पूरी की है भाई? नहीं, सुबह हो गई है। अच्छा, रात से अभी तक जाग रहे हो? सारी रात को जागते हो? हाँ। कोई रूटीन आपने ऐसी बनाई होगी रात को जागने वाली, जब भी तो आप जाग रहे हो ना। हम भी पूरी रात जागते हैं भाई, हम दूसरा काम कर रहे होते हैं, आप दूसरा काम कर रहे होते हो, बस ये बात है। बस सबकी अपनी मेहनत होती है, अल्लाह सबको कामयाब करे। बस गाड़ी निकल ली है और पापा की गाड़ी वो रही। मैं तो नहीं सोया भाई। आप सोए? कितने घंटे सोए थे? आधा घंटा। मैं सोच रहा है कि 10 घंटे बोलूं या क्या, आधा घंटा। भाई आप थंबनेल देख के तो आपको पता लग गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं, और ये सब आप लोग की वजह से। अक्सर मैं ब्लॉग बनाता था, लोग बोलते थे भाई आप ये करें, बाहर के यूट्यूबर्स करते हैं, पाकिस्तान में भी कर लेते हैं, तो क्या अंग्रेज तो सबसे पहले करता ही अंग्रेज है, उसके बाद पाकिस्तानी करते हैं, तो हम भी उन्हीं में से एक है। अभी हम जा रहे हैं मैकडोनल्ड्स। चलो चलो चलो, नाश्ता मैकडोनल्ड्स बहुत अच्छा मिलता है। हलवा पूरी नहीं करनी है वो भाई। वो कैसे पता लगेगी इस बंदे ने क्या खाया है, तो हम भी वही खाएं। तो अभी हम जा रहे हैं सीवी के मैकडोनल्ड्स, तो लेट्स गो। भैया जी आ गए हैं मैकडोनल्ड्स पे, अब देखते हैं कौन सी गाड़ी हमारे आगे है। 3 बंदे हम लोग, तो हम चैलेंज कर रहे हैं भाई, लेटिंग द पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी डिसाइड व्हाट आई ईट फॉर 24 आवर्स। अभी क्या सीन होता है हमें अभी कुछ नहीं पता। मुझे लगता है सिर्फ 3 आइसक्रीम आ जाएंगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हमारे से आगे गाड़ी थी, उसने क्या ऑर्डर किया है वही ऑर्डर कर दे। ये तो सिर्फ 2 बर्गर है, हम 2 खा लेंगे ठीक है, और टमाटर मिनट वैसे छोड़ देंगे। इसका व्लॉग बहुत मस्त होने वाला है, क्योंकि तीनों टाइम हमने कुछ ना कुछ खाना। पिकअप हेयर पे हम आ गए हैं भाई, उस वाले भी कंफ्यूज हो गए, बोल रहे हैं क्या कर रहे हो तुम, भी वो खाना जो वो खा रहे हैं। बोला हाँ हाँ, हम वही खाना है। 2 बर्गर आ रहे हैं, दोबारा वापसी घूमाना पड़ेगा यार, इसको भी तो खिलाएंगे ना, इसको नहीं सुला रहे यार। मैं तो बोल रहा हूँ की दोपहर के खाने में इतना सारा आ जाए कि मजा ही आ जाए। ओके ओके भैया, वापसी घूम के जाना पड़ रहा है भाई। सर अस्सलाम वालेकुम। सर हमारी गाड़ी के आगे जो गाड़ी थी उसने क्या ऑर्डर किया था? तेज बोले, थोड़ा आवाज नहीं आ रही। बस जो भी ऑर्डर किया बस कर दें, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। मैकडोनल्ड्स वालों माइक तो अच्छा लगाओ। मुझे तो लग रहा है बहुत ज्यादा होगा, ज्यादा है ना। क्योंकि ये बता रहे थे हमें आवाज नहीं आ रही थी, बहुत ज्यादा ऑर्डर है। हुई हुई, इसको खुद ही अकेला खाएगा बेटा तू, आप अकेला। ओ माय गॉड, 2 ही अकेला ही खाएगा जितने भी हो है। तो ये 2 खाएंगे, 2 हमारे आ गए। मुझे पता था वीडियो नहीं बनाना, जब भी मैं वीडियो बना ही नहीं रहा था। मैकडोनल्ड्स वालों से जब भी अगर आप ऑर्डर ज्यादा लो ना, तो ये लोग वेट करवाते हैं, बोलते हैं आप सामने चले जाएं और हम ऑर्डर लेकर आ रहे हैं। फिर पता है क्या होता है, थोड़ा सा ऑर्डर लेकर आते हैं और 1-2 चीजें वहाँ भूल जाते हैं ना, जैसे जूस हो गया या कोल्ड ड्रिंक हो गई, उधर से लेकर ना इधर आना होता है। जैसे कि मैंने 1-2 दिन पहले भी मैं आया था सुबह नाश्ता करने, मैंने स्मूदी पिया, मंगाया स्मूदी ना, मैं वहाँ खड़ा होगी, मुझे वहाँ खड़ा कर दिया कि आपका स्मूदी बन रहा है। स्मूदी बनने में कौन सा टाइम लगता है यार, क्योंकि वो पहले से बनी हुई होती है, मशीन के अंदर होती है। अब मैंने पूरा नाश्ता कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पर लेने आया उनसे स्पेशली कि यार स्मूदी दे दो, मेरे सर्विस बहुत खराब कर रहे हैं। और अभी भी मतलब टाइम हो गया है, लेते कि उधर जाओ। मैंने बोला नहीं, मैं लेकर ही जाऊंगा वहाँ पर, क्योंकि हमें ब्लॉग बनाना है भाई। इतना सारा आ गया, पकड़ तू। एक बंदे की वजह से हमने इतना सारा ऑर्डर लेना पड़ गया। इसमें कॉफी वगैरह नहीं है भैया, अभी भी उन्होंने आपको भेज दिया आगे। मैं आपको लगता रुके रहते, कॉफी आ जाती। देखा मैकडोनल्ड्स वाले यही करते हैं, अब उन्होंने ये दे दिया, अब कॉफी हमें कौन देगा भाई। कॉफी नहीं दी इसके साथ, नहीं दी भाई, नहीं दी। जैसे कि मैं आपको बताया था, तो मैं आपको सच ही बताता हूँ, झूठ नहीं बोलता। नहीं नहीं बागे रोक दो, बस वो ले आएंगे। मैकडोनल्ड्स क्या करे तुम्हारा, कुछ तुम्हारे मच्छाई भी है, कुछ बहुत ज्यादा बुराई भी है। मोबाइल सेट करने में लग गए थे, इतने में हमारी आ गई कॉफी, थैंक यू सो मच। और इन लोगों ने खाना शुरू कर दिया है भाई, बहुत सारा ऑर्डर हो गया। तो आज दुनिया का सबसे हेल्दी नाश्ता कर लेंगे। मैकडोनल्ड्स वाले ही बोलेंगे वाह भाई वाह, 3 बंदों ने तुम्हारा नाश्ता कर लिया। तो कोई नहीं भाई, ये तो हमारा चैलेंज है। मेरा नाश्ता इतना लजीज है ना, खा रहा है इनका ये रैप, मैं इनका पता नहीं इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कि मैंने तो सिर्फ सॉसेज खाया था। ये बिल्कुल अलग से, मतलब इस पे घी लगा हुआ है और ये मक्खन वगैरह सब है। टमाटर मिनट भी यही खा रहा है, पहली बार नाश्ता कर रहा है मैकडोनल्ड्स का, तो पता ही है। मेरे साथ कभी नहीं है, तुम्हारे साथ भी कभी नहीं है। हम ऑर्डर ले रहे हैं तो हमसे पूछ रहे हैं ये क्या है। इसकी तो आवाज ही निकल रही है। ये हमारे घर में टमाटर मिनट ना फुल सुस्त करेक्टर है।
भाई मेरी मील तो खत्म हो चुकी है और एटीट्यूड बॉय का भी खत्म होने वाला है और ये सोते सोते खा रहे हैं, बहुत नींद में है, तुम्हारा भी खत्म। तो ये रैप खाते हैं अब। ओह माय गॉड, गंदे हाथ लगाता हूँ। लगाओ लगाओ लगाओ, अबे गंदे हाथ लगा रहे तुम्हारे मुंह पर। गधे घोड़े बेच के बंदा सो गया है और हम अपनी करते हैं ब्लॉगिंग, सुने दो। इग्नोर। मुझे पता है कि रात को ब्लॉग देख रहे हैं आप लोग को कितनी भूख लग रही होगी। कंट्रोल यार, रात के टाइम कैसे खाओगे आप लोग? मैं तो ये भूल ही गया कि मैं रात को ब्लॉग डालता हूँ। सॉरी यार, सॉरी, सुबह उठ के खा लेना यार। नहीं, बाकी जो दूसरे व्यूवर्स होंगे वो तो दिन में भी देख रहे होंगे, लेकिन जो मेरे पक्के देखने वाले हैं जेरी गैंग के, जो मुझे बहुत शुरू से सब्सक्राइब करके रखे हैं, तो वो तो रात को ही देखते हैं। नहीं, बहुत सारे लोग फजर में उठ के जल्दी नाश्ता कर लेते, तो उनके लिए सही है। उनके लिए सही है, वो अंडा पराठा खा लेना यार। अंडा पराठा मैं भी रोज घर में खाता हूँ, लेकिन आज ये स्पेशली व्लॉग के लिए, क्योंकि ये व्लॉग ऐसा ही है अंग्रेजों का निकाला हुआ, तो हम भी बना रहे हैं। भाई आप क्या सोच कर आए थे कि आप क्या करेंगे यहाँ पर? मैं बर्गर खाने आया था। कौन सा? बिग मैक। बिग मैक सुबह सुबह बिग मैक खाने आया था? नहीं पता था नाश्ता मिलता है। ये इसी लालच में आया था कि इसको बर्गर खाने का मिलेगा। भाई जिनको नहीं पता, सुबह सुबह मैकडोनल्ड्स पे नाश्ता मिलता है, सबको तो तकरीबन पता है ऑलमोस्ट, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको नहीं पता कि सुबह नहीं उठते वो अपनी मम्मा पापा के साथ, सिर्फ रात को ही आते। तो ये डमाडस मेंडस भी फर्स्ट टाइम आके नाश्ता किया इसने, तो हमने उठाया, समझ रहे बिग मैक खाने को मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। रात में ख्वाब आ रहे होंगे, ऊपर बर्गर आ रहे होंगे। ऊपर बर्गर कहाँ से आ रहे होंगे सर के ऊपर? ख्वाब तो ऊपर आता है ना, ऊपर कहाँ से आता है? और ये हिल भी रहा होता है। भाई लाओ लाओ, अब है फेंकने का टाइम डस्टबिन के अंदर। ये सब फेंको, ये लो। ओके भाई, गुड हो गया। और अब भाई जा रहे हैं घर की तरफ वापसी, क्योंकि हम क्या 24 घंटे जागते थोड़ी रहेंगे। अब हम जाके सो जाएंगे और उसके बाद फिर हम उठेंगे जोहर के अंदर, खाएंगे लंच, देखते हैं वो कहाँ करते हैं, पर्ची डालेंगे, पर्ची में जो निकलेगा उधर लंच करेंगे। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, जाके मैं सो जाऊंगा, सोए मानी हूँ सुबह से। गुड नाइट भाई, 2:30 बज गए अभी, ये भी ये लोग उठे। टमाटर बेटा सो रहा है यहाँ पर, जाओ कपड़े पहनो जल्दी। लंच नहीं करना क्या? जल्दी जाइए कपड़े पहनो, चलो। क्या हो गया? खराब हो गया क्या? तुमने नाश्ते भी तो बहुत टाइट किया था। चलो तो भाई फटाफट से लंच करते। चलो 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 चलो, मामा अल्लाह हाफिज़। बलून बाहर घूम रहे थे वो। गुड आफ्टरनून, अभी टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, 3:30 हो गए, और हमारे साथ है फरिया, डमाडस मेंडस, मैं और भैया। सुबह थे 3 बंदे और अभी है 4 बंदे। इतना सारा खाना आ गया था हमारा, और अभी देखते क्या होता है। मैं फरिया को 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, एक है पिज्जा हट, एक है डोमिनोज पिज्जा, और एक है KFC। मैंने सोचा था कि कौन सी उंगली में क्या है। फरिया लेट्स सी, चूज करो कोई सी भी एक। ओ क्या है बताऊं? पिज्जा। इसके लिए पिज्जा हट सोचा था सबसे लास्ट वाली, क्योंकि मैंने इसको यूं बताया था पिज्जा हट, तो मैंने बोला इसको इधर रख देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो चले लेट्स गो। फाइनली पहुंच गए भाई पिज्जा हट पे, देखते क्या होता है, किसने हमारे से पहले क्या ऑर्डर किया हुआ है। यहाँ पर ड्राइव थ्रू तो है नहीं, अंदर जाना पड़ेगा। हम लोग बैठो इधर दोनों, ठीक है? हम लोग आ रहे हैं। हमसे पहले किसने क्या ऑर्डर दिया? जो भी है बस वो देते हैं। आप कैसे करें, कैसे खाएंगे एक पिज्जा? अबे तो भाई जो है वही पीस है भाई, हमने चैलेंज तो यही लिया है ना। तुमसे पूछ के नहीं, पूरी दुनिया से पूछ के लिया। अगर हम दोबारा जैसे दोबारा किसी ने ऑर्डर दिया, फिर हम अगर वो लिया उसमें 20 पिज्जा निकल गए, 20 पिज्जा निकल गया तो हाँ फिर क्या करेंगे? 20 अगर जैसे कोई किसी कुछ भी कहा, क्या हुआ बताओ, था ना भाई पिज्जा का। अबे तो एक जो ऑर्डर बंदा देगा ना वही करना है हमें, जब तुम्हें लेके नहीं आया सुबह भाई। इसको क्या हो गया यार, लाजमी चाहिए। सर एक और हो सकता है, मतलब छोटा पिज्जा, पैन पिज्जा, पैन पिज्जा कर दे भाई, इसने तो जिद करी है, पैन पिज्जा भी कर दे एक ना, ठीक है? रोटी शक्ल तुम ढूंढना शुरू, बच्चों को लाने का यही मसला है। आइंदे के बाद इससे चैलेंज नहीं करेंगे, इसको लेकर नहीं आएंगे। बोलती है मैं एक पिज्जा कैसे खाऊंगी लाट, इतनी दूर लेकर क्यों आए? बोलते गाड़ी में बैठ जाओ, गाड़ी में खुद ही आ जाएगा, तो देखते कब तक आता है। 10-15 मिनट बाद हमारा आ गया ऑर्डर। थैंक यू। तो भाई फरिया का था पैन पिज्जा, और ये फरिया को दे देंगे पैन पिज्जा। जिद्दी थी जब इसको दी थी। हाँ खाना था हमें सिर्फ इसमें से, जो था पहले ऑर्डर, जो ऑर्डर था हमें वही लेना पड़ा। नहीं तो फरिया समझो, फरिया को काउंट ही नहीं कर रहे हम अपने चैलेंज के। जो टमाटर मिनट सुबह भी साथ था, तो अभी भी है, तो टमाटर मिनट काउंट करेंगे हम। सही है, हमें खाना है इस लार्ज पिज्जे में से 3 होने। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया भाई? गरम गरम है ना, टूट नहीं रही थी। हाँ यार डिलीश। तो मैं भी फटाफट से खा लेता हूँ। लेट्स ईट। उसको मैं तो नहीं खाओ भाई, केचप डाल रहा हूँ। अच्छा फरी आपका अच्छा पिज्जा? यस ऑफ कोर्स। आपका नाम?
नहीं नहीं आप कहो। सो फाइनली भाई बॉक्स खत्म हो चुका है, सबको देखा आपने चबाते हुए, बकरों की तरह चबा रहे थे सारे। चैलेंज तो अच्छा यार, खाने को भी मिल रहा है, एंजॉय भी कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठे फिर दोपहर का लंच, टाइम 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 टू टाइम। हमेशा का यही है कि हम ये डस्टबिन में फेंकते हैं और आपको भी हमेशा ये बोलेंगे डस्टबिन में फेंके, बंद करके देकर आए आप, ये उनको दे देगा तो डस्टबिन यहाँ पर कहीं दिख नहीं रही हमें। क्या हुआ, इसको भी रखो, इसको डस्टबिन फेंक देंगे दूसरी। चल अबे भाई, भैया की फरारी क्या कर रही है यहाँ पर, तेरी खतरनाक बनाई हुई है इसने तो यार, क्या ऑल्टो बनाई हुई है यार। भैया तुम्हारी ऑल्टो भी ऐसी बनवा दे, बहुत क्लास की लग रही है यार, स्पोर्ट्स बनाई हुई है स्पोर्ट्स। सो भैया आ गए हैं घर और हमारी कोल्ड ड्रिंक दोपहर वाली और ये सुबह वाली कॉफी इधर पड़ी रहेगी ताकि हमें याद रहे कि हमने हाँ भाई दोपहर में सुबह खाया है। जल्दी भागो जल्दी, तुम्हें तो ट्यूशन जाना है, मम्मा से डांट पड़ेगी बेटा, सबको पिला दो टमाटर मिंडस, जल्दी भागो जल्दी बेटा। तो परिया गई मम्मा से, बोलूंगा बोलूंगा बोलूंगा। अब इसको लेके कहीं नहीं जाना, मैंने बताया। बैग पहनो, बैग का, बैग का। एक घंटा लेट हुई है, एक घंटा लेट हुई ना, चलो जल्दी बाद में लेके जाते हैं जब ये पढ़कर आ जाती है। बस ना सॉरी मॉम, हमें नहीं पता था हम लेट हो जाएंगे यार, बहुत ट्रैफिक था, बहुत ज्यादा। देखो मना करा हुआ है तुम्हें, चले सॉरी मॉम सॉरी, पढ़ाई के टाइम। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस बात को। तो अभी 6 बज रहे हैं और अब जाएंगे रात के 8 बजे, तो बाय अल्लाह हाफिज़, रात को मिलते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि रात के टाइम हम खाने पे जाएंगे, बहुत रात हो गई, 8:30 हो गए, चल जल्दी उठ यार, अबे खाने पे जाना है, जल्दी उठ भाई, उठो ना यार, जाना नहीं है क्या यार, भूख नहीं लग रही अभी, भूख नहीं लग रही अभी यार, टाइम देख रहे हो क्या हो गया यार, चलो यार बस बहुत हो गया टाइम यार, मैं जा रहा हूँ अकेले जा रहा हूँ बस, चलो जल्दी आ जाओ। अरे ये कौन तैयार हुआ है, कहाँ तुम्हारे साथ जाना है, तुमने मैंने तुमसे कहा था ना, क्या ये तो मॉम भी जा रही है, भूल गए। अच्छा तो मतलब फरिया नहीं जाएगी, फरिया जगह आप, मैं भाई ये 3 बंदे नहीं, वही तो बोल रहा हूँ कि ये पहला होगा चैलेंज के जो पाकिस्तान में के अलग अलग बंदे जा रहे हैं, 2 बंदे जा रहे हैं, तो ये मेन करेक्टर है ब्लॉग के, नहीं नहीं फरिया ट्यूशन पढ़ना, ट्यूशन इम्पोर्टेंट है, कहाँ है अभी, खाना कम मिले तो हमें वही खाना पड़ेगा, हाँ जो मिलता है वही खाना पड़ता है, एक बर्गर मिलेगा एक मिले चारों खाना पड़ेगा। और मॉम ने भाई सब्जी बनाई थी लेकिन ये नहीं खा रहे, आगे खा जाएंगे रात को। मम्मा भैया फरिया और डमाडस मेंडस, फरिया भी आ गई, इसको मम्मा ने ऊपर से बुला लिया कि फरिया तुम भी चलो खा लेना, क्योंकि घर में तो पता नहीं कुछ खाएगी नहीं खाएगी पता नहीं था, मम्मा इसको साथ लेकर आ गई। मॉम को बोलूंगा कि मॉम चूज करे इसमें से, 3 ऑप्शन दूंगा मॉम को और देखते हैं मॉम क्या चूज करती, और मुझे पता है क्या क्या इसमें से ना, एक पिज्जा है, एक मैकडोनल्ड्स है और एक है केएफसी भी, तो 4 दे दो और क्या दूं, 4 जूता दे दूं, 4 ऑप्शन है, हार्डीज केएफसी और पिज्जा और मैकडोनल्ड्स, क्या चीज चाहिए इन लोगों से पूछो ना, नहीं ना इन लोगों ने बता चुके हैं, बस आपको बताना है वहाँ, ये तो हार्डीज है लेकिन हमें तो केएफसी खाना था, जब मम्मा ने जो चूज की है वो खाई, क्योंकि मैंने सोचा था कि आपको तो पता है ना, आपने ब्लॉग पे लाले देखा है ना, मैं तो बस समझ रहे हो। तो भाई हार्डीज पहुंच चुके हैं, हमसे पहले किसी कस्टमर का ऑर्डर था तो वही ऑर्डर हमारा है, वेटिंग में बैठ चुके हैं भाई, उन्होंने बोला थोड़ा वेट करो आपका ऑर्डर अभी आ रहा है, तो हमें तो नहीं पता भाई क्या मंगाया था जो हमसे पहले खा रहा था यहाँ पर खाना, अब हमें पता लगेगा हमारे पास आ जाएगा। प्लीज माजर पाँव पड़ लेता हूँ आपका, माफ किया, थैंक यू। ऑर्डर मिल चुका है भाई हमें और अब जा रहे हैं गाड़ी में, देखेंगे इसमें क्या क्या है, ओए पता नहीं इसमें क्या है, देखें जरा इसमें क्या क्या है, वो जो भी उन्होंने किसी ने ऑर्डर प्लेस करवाया था ना पहले तो वही हमें मिला है। मॉम को ये चैलेंज समझ नहीं आया अभी तक, मॉम बोल रही है क्या कर रहे हो तुम लोग, क्यों वही खाना है कुछ और खा लो, चाइनीज ले जाओ मुझे यहाँ ले जाओ, मैंने बोला मुझे नहीं पता क्या हुआ फरिया, बड़ा बर्गर सच में, ये भैया के साइज का है, हम सुबह से खा ही रहे सिर्फ, पेट खराब ना हो जाए हमारा, ओ माय गॉड, हाँ ये छोटा है केएफसी कहाँ से आ गया, ये अरे यार केएफसी कहाँ से आ गया, नहीं नहीं केएफसी नहीं है, मेरी मॉम तो मॉम है ना देसी मॉम, भाई बहुत बड़े बड़े बर्गर आ गए, हमें नहीं पता हमसे पहले कौन मोटे लोग आए थे खाने खाने, हम तो सूखे सूखे से हैं, और जितना भी है ना इसी में से हम 5ों को खाना है, और भाई इसमें है नगेट्स, ओके बाइट्स है ये बाइट्स, ओ माय गॉड बहुत गर्म है खाओ, क्या कर नौटंकी, भाई हमारे पास है टोटल 3 बर्गर, एक टमाटर मिंडस खा रहा है, और मॉम और फैया कुछ भी नहीं खा रही, सिर्फ फ्राइज खा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ बर्गर खा लो आप, मैं खा रही हूँ ना ये देखो, टमाटर मिंडस का खा रही हो, आधा आधा खाओगे, मैं नहीं खाऊंगी, तुम क्या खाओगे फिर, फ्राइज, चलो ठीक है तो हम लोग अपना अपना बर्गर खाते हैं, तुम लेकिन तुम बड़ा खाओगे मैं छोटा बर्गर खाऊंगा, मेरा भी पेट है मैं सुबह से खाए जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सबको ये बात पता है कि आप माशाल्लाह बहुत खाते भी हो तो आप खा सकते हो, पेट खराब हो जाएगा मेरा, तो आप गोली खा लेना, आपके लिए गोली भी खरीद लेंगे, कौन सी वाली, बड़ी वाली, हाजमुला हाजमुला। तो भाई फटाफट सब मैं खाता हूँ खाना, आप सबके कहने पे चैलेंज किया मैंने, ये एंजॉय करें, 10 आउट ऑफ 10
मजेदार। तो भैया मैंने है अपना खा लिया है, एटेड बॉय अभी तक खा रहे हैं, बड़ा बर्गर जो दे दिया मुझे। और मॉम आपने खा लिया? परी आपने खाया? टमाटर मिनट आपने खाया? ये चैलेंज हो गया हमारा कंप्लीट और अब फटाफट से घर जाएंगे और घर जाके ब्लॉग को एंड करेंगे। तो मैं भी बहुत थक गया यार, सुबह से उठा और फिर वो किया नाश्ता, फिर लंच, फिर डिनर, बाहर के खाने खा करना बस थक गए, अब घर जाएंगे। और हमेशा की तरह हम ये पैक करते हुए डस्टबिन में फेंकने के लिए। ये अब तुम लेट देते हो बहुत यार, टिश्यू पूछ के भेजा करो, ये इधर रख दो। चलो बस 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 लेट्स गो भाई, घर आ गया है। अस्सलाम वालेकुम दासर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह गरम मालिक का। बस एक चैलेंज करने गए थे यार, ऐश करो, मजे मजे की लाइफ जियो, मजे की मजे की। इस व्लॉग को नीचे एंड करते हैं, मैं कसम से बहुत थक जाऊं। जाओगे ओ भाई? प्लीज प्लीज खामोश यार, प्लीज प्लीज चिल। क्या हो गया, गलती से टेक लगाया? अब बनो भाई बनो भाई। तो इस व्लॉग को एंड करते हैं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। उम्मीद है व्लॉग पसंद आया होगा। असल में मैं फूड ब्लॉगिंग नहीं करता, तो अगर कोई मिस्टेक हुई हो मुझसे तो इग्नोर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। बस कमेंट भी कर दें और शेयर भी कर दें और 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी जल्दी जल्दी कर दें। इसे 1 मिलियन कर दें प्लीज, लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू माय मॉम, बाय, अल्लाह हाफिज़। तो इसको पता है, इसको अंदर डालो, अंदर इसको अंदर डाल दो डस्टबिन में। हाँ अरे इस उसको भी उठा के फेंकना, फिर चलो डस्टबिन में फेंका करो सही से। गुड, आ जाओ आप। और मोम ऊपर भाग गई, मोम कहाँ भाग गई, मोम वो जा रही। अब भाई